हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ईशा मल्होत्रा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने जॉइंट्स के टॉपिक को स्टार्ट किया था एंड उस वीडियो में मैंने इनर जॉइंट के बारे में एंड जॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था, मींस जॉइंट का बेसिक इंट्रोडक्शन और हम जॉइंट्स को कहाँ और कैसे यूज करते हैं वो बताया था एंड इनर जॉइंट हम कैसे लगाते हैं मैंने वो डिस्कशन किया था। साथ ही मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जॉइंट्स में हम लोग अलियास किस तरीके से क्रिएट करते हैं, जो कि मैं अपनी इस वीडियो में भी यूज करूंगी। तो अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पहले मेरी पिछली वीडियो देखिए एंड देन उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग आउटर जॉइन के बारे में पढ़ेंगे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इनर जॉइन में हम बेसिकली कॉमन डेटा को सेलेक्ट करके लेकर आते हैं, मींस जो हम दो टेबल लेते हैं, दो या तीन टेबल जो भी हम लेते हैं, एंड देन उन टेबल में हम लोग जिस कॉलम के बेस पे, मींस जिस कॉमन कॉलम के बेस में हम डेटा सेलेक्ट करके लेकर आते हैं, तो उसमें जो कॉमन रिकॉर्ड्स होते हैं वो फेच होके आते हैं। जो आउटर जॉइन है वो कॉमन रिकॉर्ड्स और अनकॉमन रिकॉर्ड्स दोनों के लिए काम करता है। मींस जॉइंस के टाइप है हमारे पास लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। तो यहाँ पर बेसिकली टेबल के अकॉर्डिंगली काम किया जाता है एंड टेबल में जो डेटा कॉमन है या अनकॉमन है उसके बेसिस पे काम किया जाता है। तो पहले एक बार टेबल को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे दो टेबल लिए, एक मैंने लिया एम्प्लॉय और एक मैंने लिया ईएमपी सैलरी। तो यहाँ पे देखिए जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें 9 रिकॉर्ड है, लेकिन जो सेकंड टेबल है उसमें 7 रिकॉर्ड है, मींस जो दो रिकॉर्ड है 108 और 109 वो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। तो अब जब हम यहाँ पे लेफ्ट और राइट का मतलब क्या है कि जो कौन सा टेबल जॉइन कीवर्ड से पहले है वो लेफ्ट टेबल हो गया, जो जॉइन कीवर्ड के बाद होगा वो राइट हो गया। तो यहाँ पे टेबल के अकॉर्डिंगली डेटा फेच होके आता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया कि मुझे लेफ्ट आउटर जॉइन लगाना है तो वहां पे लेफ्ट का पूरा डेटा आएगा, चाहे वो डेटा दूसरे टेबल में अवेलेबल है या नहीं है, तो लेफ्ट का पूरा डेटा आएगा एंड राइट में से जो डेटा अवेलेबल है वो डेटा सेलेक्ट होके आ जाएगा और जहां डेटा नहीं है वहां पर वो नल पुट कर देगा। ठीक है, एक बार स्टार्ट करते हैं, आपको क्वेरी से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाना है मुझे, मींस मुझे सारे रिकॉर्ड्स चाहिए और उसके साथ साथ मुझे एम्प्लॉय की सैलरी भी देखनी है। तो हमने लिया सेलेक्ट, मैंने एम्प्लॉय टेबल का एलियास ले लिया ई के नाम से, तो मैंने लिया ई डॉट ई एम पी आई डी, ई डॉट ई एम पी नेम, ई डॉट डिपार्टमेंट, दो कॉलम ले लिए। तीसरा मैंने लिया यहाँ पे सैलरी के लिए, मींस ई एस ले लिया, ई एस डॉट सैलरी, ई एस डॉट इज परमानेंट फ्रॉम, अब टेबल लिया मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय, इसका अलियास क्रिएट किया ई, लेफ्ट आउटर जॉइन, अब यहाँ पे मैंने जॉइन कीवर्ड लिया, देन ई एम पी सैलरी ई एस। तो अब यहाँ पर जो मेरा एम्प्लॉय है वो मेरा लेफ्ट टेबल है, मींस जो मेरा डेटा सेलेक्ट होके आएगा मेनली वो एम्प्लॉय से सेलेक्ट होके आएगा, और जो ई एम पी सैलरी है वो मेरा राइट है, मींस इस जॉइन कीवर्ड के लेफ्ट की तरफ का टेबल लेफ्ट माना जाता है और ये राइट माना जाता है। ऑन ई डॉट ई एम पी आई डी इक्वल टू ई एस डॉट ई एम पी आई डी। तो अब आप देखिए इस परमानेंट, ओके मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत की है, फाइन। अब मैंने यहां से सेलेक्ट किया, अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली 9 रिकॉर्ड हैं, तो मैंने यहाँ इस टेबल से लिया ई एम पी आई डी, ई एम पी नेम और डिपार्टमेंट। तो इन तीनों के पास तो 9 तक के रिकॉर्ड हैं, लेकिन जो सैलरी है वो सिर्फ 107 तक की है और जो इस परमानेंट है वो भी 107 तक का, यानी कि 108 और 109 के लिए रिकॉर्ड नहीं है। तो लेफ्ट आउटर जॉइन के केस में लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आएगा एंड देन राइट टेबल से जो डेटा मैच हो रहा है, मींस जो डेटा अवेलेबल है वो सेलेक्ट होके आ जाएगा एंड जहां पे डेटा नहीं है वहां पर वो नल पुट कर देगा। तो आप देखिए मैंने यहां से सेलेक्ट किया, तो आप देखिए इनकी सैलरी और इस परमानेंट नहीं था तो यहाँ पर नल सेलेक्ट होके आ गया, तो लेकिन डेटा मेरा जो लेफ्ट का पूरा टेबल था वो पूरा टेबल सेलेक्ट होके आया। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से जो राइट आउटर जॉइन है वहां पे राइट का पूरा डेटा सेलेक्ट होके आता है एंड जहां पे डेटा अवेलेबल नहीं होता वहां पे नल आ जाता है, एंड फुल आउटर जॉइन में दोनों टेबल को कंबाइंड होके डेटा जो है वो सेलेक्ट होके आ जाता है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपनी अगली वीडियो में हम ड्रॉइंग्स के नेक्स्ट टाइप को देखेंगे। इस वीडियो की प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपनी अगली वीडियो के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय।